आज हम बनाए हैं गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता, जिसे बच्चे भी दौड़ के खाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशुमान की रसोई में स्वागत है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसे हम बिल्कुल बाज़ार के से जैसा ही बनाए हैं रोल, और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल कुरकुरा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम आलू को बॉयल करके इसे मैश करके रख लिए हैं, और इसमें हम लहसुन कूट करके मिला लिए हैं। इन सब चीज़ों का नमक है, लहसुन है, इसे हम अगर पहले से मिलाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। और ये सब मसाले हैं, हरी मिर्च है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को छोटा छोटा कट कर लेते हैं, क्योंकि आलू को हम इसका चोखा जो है टेस्टी बनाना है, तो इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, और 1 चम्मच हम छोटे चम्मच लाल मिर्च लेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई, इसमें डाल दिए हम तेल, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा हमारा अच्छे से लाल हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग डालेंगे। हींग से हमारे पाचन क्रिया में भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। और अब हम हरे मिर्च को डाल देते हैं, मिर्च भी हमारा अच्छे से लाल हो जाएगा। और अब हींग डाल दिए हैं, मिर्च डाल दिए हैं, जीरा डाल दिए, ये है धनिया, हल्दी पाउडर है, इसे भी थोड़ा सा डाल करके तेल में हम चला लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आलू का जो चोखा बन के तैयार होता है बहुत ही टेस्टी होता है। और ये है 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला आप ज़रूर डालें। जो गरम मसाला आप खाना पसंद करते हैं, तो नमक हमारे हिसाब से कम था, तो अभी हम थोड़ा नमक और डाल करके इसे चला लेते हैं। तो जब भी आप चोखा बनाते हैं तो पहले आलू में नमक को आप अच्छे से मिला लें, नहीं तो बाद में मिलाने में दिक्कत होती है। और नमक हम मिला करके अब इसे कढ़ाई में डाल करके और पलटे से अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि नमक और मसाले ये सब चीज़ अच्छे से आलू में चारों तरफ से लपेट लें, तब वही जो चोखा बन के तैयार होता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। और आप इसमें चाहें तो वेजिटेबल भी मिक्स कर सकते हैं, तो लेकिन बच्चे आजकल के कुछ बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप वेजिटेबल स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च डाल दिए हैं, और ये बारीक कटी हुई धनिया है, और इन सब को डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिला करके इसे हम ढक देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, ताकि अच्छे से भाप से नमक इसमें गल जाए और हमारा चोखा बिल्कुल टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसे हम चला लिए हैं और एक थाली से इसे ढक लेते हैं, और जब तक ये हमारा चोखा अच्छे से तैयार होता है बनके, तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, टमाटर है, धनिया है, लहसुन की पत्ती है, इन सबको हम काट लिए हैं। और अब इसे यार में से हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीका है, इस तरीके से अगर आप नाश्ता बनाते हैं तो बच्चों से बड़ों को किसी को नुकसान नहीं करेगा, और हेल्दी नाश्ता रहेगा और चटपटा भी रहेगा। तो ये देखिए धनिया टमाटर की चटनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। और इधर हम देखते हैं तो हम जो आलू फ्राई किए हैं इसमें चोखा, वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम चला लेते हैं, और चला करके एक अलग बर्तन में बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो इस तरीके से आपको भुर्ता बनाना है। और अगर आपके बच्चे हरी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, आपको पसंद है, तो आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर ये सब डाल करके भी फ्राई कर सकते हैं, वो और भी हेल्दी होगा। देखिए इसे एक बर्तन में हम बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम आटा तैयार करते हैं। तो इसमें जीरा है, अजवाइन है और नमक है, और ये देखिए 1/2 कप हम इसमें सूजी डाल दिए हैं। सूजी से हमारा ये नाश्ता बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अब इसे हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो जब भी आप सूजी को डाल करके आटे को गूँथेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसे थोड़ा लूज ही गूँथना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना है, क्योंकि जो सूजी है वो पानी को सोखता है। तो थोड़ा सा आप इसको नरम गूँथेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हम आटे को भी गूँथ करके रख लिए हैं, और लेते हैं चकला और बेलन, और इस पे हम लोई को इस तरीके से मैश करते हुए थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके ऐसे मैश कर लेते हैं, जिससे हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए हम ऐसे तेल लगा करके और छोटी छोटी पूड़ी के साइज़ के हम टिक्की बना करके रख लेते हैं, जैसे पेड़े के साइज़ में।
ना तो हमारी टिक्की बहुत पतली हो ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो, तो आपको इसी तरीके से छोटी छोटी टिक्की बनाना है। तो इस तरीके से हम देखिए बेल करके टिक्की को रख लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही क्रिस्पी है, बच्चे भी इसे खाना पसंद करेंगे। और बाज़ार से अच्छा रहेगा बच्चों को आप हेल्दी नाश्ता दें अपने हाथों से बना करके। और ये देखिए हम जो आलू का चोखा तैयार किए हैं ठंडा हो गया है, इस तरीके से हम रख करके और ये जो पूड़ी हम बेले हैं इसके चारों तरफ हम हल्के से पानी लगा लगा करके इस तरीके से हम रोल कर देते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा चपटा बना दें और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा रोल की तरफ शेप दे दें। तो एक हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं, दूसरा है देखिए इसको हम बेल लिए हैं और इसके साइड में हम किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि तेल में जाने के बाद ये फैले ना। और इस तरीके से हम इसे घुमाते हुए मोड़ लेते हैं और इसके मुंह को हम बंद कर देते हैं ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले ना। तो आप जैसे भी चाहें आप इसके मुंह को मोड़ लें, बस बिल्कुल इस तरीके से रोल बना दें और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से हम सारे रोल को बना लेते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, गेहूं के आटे से बना हुआ है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। जितना चीज़ इसमें हम डाले हैं, मैदे के आधा इसमें आपको सूजी डालना है एक तिहाई, और उसमें भी आप जीरा, अजवाइन, नमक और घी डाल करके आप मैदे के बना सकते हैं। लेकिन ये वाला नाश्ता बहुत ही यूनिक बनेगा और बहुत ही हेल्दी भी रहेगा क्योंकि आटे से है। तो इस तरीके से हम सारे रोल को बना करके, आप चाहें तो थोड़ा सा चपटा कर लें, आप चाहें तो बिल्कुल रोल के आकार में दे दें तो सबसे अच्छा रहेगा। आप इसे थोड़ा सा रोल के आकार में घुमा दें तो हम दोनों तरह का बनाए हैं। और अब हम गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई। तो देखिए कढ़ाई भी हमारी अच्छे से गर्म हो गई, इसमें तेल डाल दिए हैं, तेल भी आँच आने लगा है। और अब हम दो दो तीन तीन रोल को एक साथ में डालेंगे। थोड़ा सा आप इसको चेक करें साइड में रोल को रख करके, जब तेल में इस तरीके से बॉयल आने लगे तो आप फटाफट इसमें फ्राई कर लें। तो ये देखिए इसमें हम डाल दिए हैं और अब इसे हम पलटे से उलट पलट करके धीमी आंच पर इसे हम अच्छे से पका लेते हैं ताकि क्रिस्पी बने। आपको बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा इसे लो टू मीडियम फ्लेम कर लेना है। और इस तरीके से चलाते हुए आपको ये टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ, बच्चे तो बिल्कुल यहाँ से हट नहीं रहे हैं, मम्मी जल्दी दो। देखिए इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार के जैसे आपका रोल बन के तैयार होगा। और अब इसे हम एक अलग बर्तन बाहर निकाल लेते हैं और इतना क्रिस्पी है कि देखिए तेल में बाहर आने के बाद ये लेयर की तरह ऊपर आ गए हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से सारे रोल को आपको तेल में फ्राई कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसे हम लो कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो हम रोल या पकौड़ी जो भी चीज़ हम पकाते हैं तो क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो ये देखिए इतना क्रिस्पी है, तेल में ही देखिए सारे लेयर छूट रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। और जब भी ये नाश्ता आप धनिया और टमाटर की चटनी के साथ खाएँगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो सुबह हो या शाम, आप नाश्ते में या लंच में, डिनर में, आप जब भी चाहें तब आप इस तरीके का नाश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल भरपेट आपका ये और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा गेहूं के आटे से रोल बनके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी हमारा ये रोल बना है, बच्चे तो इसे बहुत ही चाव से खाए। और सूजी डालने से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो लीजिए धनिया और टमाटर की चटनी के साथ हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। और इस तरीके का नाश्ता अगर आप अपने बच्चे को या अपने घर के बड़े बुजुर्ग को देते हैं तो वो भी चाव से खाएंगे। और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।